जमशेदपुर, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति, एक वार्ड के नेता के जैसे काम कर रघुवंत दास जी, उड़ीसा के राज्यपाल, और उनको तनिक से भी लोभ लालच नहीं है कि वो एक संवैधानिक पद को किस तरह से, उस पद का साथ को किस तरह से वो गिरा रहे, संविधान का तार तार कर रहे, और सिर्फ एक व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। पिछले 25-30 साल से जमशेदपुर ने रघुवर दास जी के परिवार के गुंडागर्दी को, गुंडागर्दी से परेशान हुए हैं, और अब उस गुंडागर्दी को वो अपने बहू को आगे करके अपने राज चलाना चाहते हैं। एक रघुवर दास जी से मेरा कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। पहले तो अगर आपको जमशेदपुर में अपने जमींदारी समझ करके आपकी परिवार की गुंडागर्दी से आप अपना राज चलाना चाहते हैं, तो एक अपने बहू को आगे क्यों किया? आप इस्तीफा देते हैं, लड़ते चुनाव? कोई भी जो भी व्यक्ति जो जिनका तनिक से भी आत्मसम्मान है, तो वो क्या अपनी बहू को जो है अपने राजनीतिक फायदा के लिए बहू को आगे करेगा? पहला सवाल। दूसरा कि आपको इस देश के संविधान और देश के जो है कानून पर कोई ख्याल नहीं है। अगर संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ऊंचे राजनीति करेगा, कल डीएम और एसपी जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए काम करेंगे, कल राष्ट्रपति जी चुनाव मैदान में उतरेंगे, मान लीजिएगा कि लोकसभा चुनाव में द्रौपदी मुर्मू जी मयूरभंज में कैंप करते, नेता से मिलते, अगर द्रौपदी मुर्मू जी जाए तो मयूरभंज में कैंप करके लोग से मिलते कि भाजपा को वोट दो, तो ये देश बचेगा? लेकिन अभी ऐसे आदमी है पूर्वी जमशेदपुर में आ रहा है, जो उड़ीसा के राज्यपाल है, जिसको तनिक से भी देश से मतलब नहीं है, संविधान से मतलब नहीं है, राजनीतिक शिष्टाचार से मतलब नहीं है। ये हमारा ये पूर्वी और जमशेदपुर और झारखंड का दुर्भाग्य है कि एक सिटिंग राज्यपाल, हमने तो वीडियो वाले तो इलेक्शन कमीशन को तो कंप्लेंट करेंगे, और एक वीडियोग्राफर हमने तय किया, क्योंकि रघुवर दास जी जो है कोई अच्छे बातें से बात नहीं मानते, हमने कहा कि हम एक वीडियोग्राफर को उनके घर के सामने लगाएंगे, मोटरसाइकिल पर जहां भी जाएगा हम रिकॉर्डिंग करेंगे। आप देख लीजिएगा कि लगातार वो मीटिंग करा रहे बीजेपी के कार्यकर्ता, हम बोल रहे हैं कि आप कीजिए लेकिन रिजाइन तो करो, लेकिन इसने जो रिजाइन भी करेगा, बेटा जो है भुवनेश्वर जाकर के उड़ीसा के स्टाफ को मारेगा, बालूपासा में जो उनके बाइक घुस घुस करके जो घर कब्जा करेगा, उसका भतीजा है जो गाली गलौज करके किसी का सर फोड़ेगा। ये है क्या जमशेदपुर जैसे मिनी इंडिया का, यही हमारे लिए ऐसे लीडर है? मैंने इलेक्शन कमीशन और डीसी साहब को चिट्ठी निर्गत किया है और राष्ट्रपति को, इस देश, इस प्रदेश और इस शहर का दुर्भाग्य है कि गवर्नर एक बूथ के उपाध्यक्ष जैसे हरकतें कर रहा है, अध्यक्ष नहीं, बूथ का उपाध्यक्ष जैसे हरकत कर रहा है, मीटिंग कर रहा है, छोटे छोटे मीटिंग कर रहा है, छिपके कर रहा है। तो इससे चलते क्या है कि पूरे देश में मैसेज जा रहा है कि कोई कानून का कोई जगह नहीं है जमशेदपुर, किसी चीज
चीज का जो है राजनीतिक जो है राजनीतिक लोग या जो बोलते राजनीति में जो लोक लाज होनी चाहिए नहीं। और रघुवर दास जी ने हमारे सुंदर शहर को बदनाम करने के लिए जिस तरह का हरकत किए जमशेदपुर की जनता उनको छोड़ेगी। और रघुवर दास जी का एक ही मकसद है कि बहू को सामने खड़ा करो और उनके परिवार को गुंडागर्दी को आगे बढ़ाते हैं। पूरा परिवार इस चुनाव में लग गया ताकि उनकी गुंडागर्दी बालों पास सिद्धौरा में चलते रहे, कभी कंपनी का ठेका, कभी ये, कभी वो काम। तो मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि अगर हमको इस त्योहार पर लोकतंत्र के पद को बचाना है, अगर इस देश के संविधान को बचाना है, अगर हम अपने बच्चे को जो सही सीख देना चाहते हैं कि रघुवर दास जी के राजनीतिक हरकतों को जो उजागर कीजिए,